બધા જે માંથી ફોન કરી હાલ ઓકે ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ વેલકમ ટુ માય અનધર બ્લોક ઓર આજે હમરા બ્લોક બનને જા રહા હે મોવા ટુ જામનગર સુબહ કે બજ ચુકે 7:30 10 બજે તક હમ પહોંચ જાયેંગે 10 ભી નહીં શાયદ 9:30 કો હી પહોંચ જાયેંગે જામનગર 2 ઘંટે કા હી રાસ્તા હે ઇધર સે જામનગર હોતા હે 80 કિલોમીટર ફ્રોમ મોંગાણ ટુ જામનગર दूसरी कोई बाइक होती तो हम पहुंच जाते जल्दी, लेकिन ये स्कूटी है तो हमें आराम से चलाना होगा। और थोड़े दिन पहले इसका इंजन रिपेयर किया है। इधर से हमें कौन सा रास्ता लेना है? इस तरफ है यो ईर, हाँ सूरज तक हमारे ऊपर, ये सनराइज ही हुआ है अभी तक। ये भी जो एरिया पूरा दिख रहा है आपको, ये करमन का ही एरिया है। सब इसमें प्लॉटिंग डाल के उसने सेल कर दिया है और सब सेल भी हो चुके हैं। और ये मंदिर की जगह भी है, रामदेव पीर का मंदिर है ये। और हमें इधर से लेना होगा राइट, इधर से हम राइट लिया। सामने शायद आपको कैमरे में नजर ना आए, पर उधर आवड़ माता जी का मंदिर है। तो इस बार तो हम नहीं जा पाएंगे, नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। जय आवड़ माँ भलो करे। तो ये है पूरा जुवानगढ़ कहते हैं इसको। पूरा गांव जुवानगढ़ में है। पहले इसको शायद ग्रामड़ी कहते थे, लेकिन अभी बाद में चेंज हो गया नाम जुवानगढ़। मोंगाण से निकलते हुए हमें कुछ 15-20 मिनट हो चुके हैं और बाद में जुवानगढ़ भी आया। और ये कौन सा गढ़ है मालूम नहीं, पढ़ के बताना पड़ेगा। लिखा भी नहीं है वरना मैं पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। और हमारी जर्नी का ये सेकंड वाटर क्रॉस है। जय सोनलमा। इधर सोनल माता जी का मंदिर भी है। चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी, पानी ग्रीनरी, बहुत बारिश हुई इधर। और बारिश की वजह से ये देखिए रोड में खड्डे पड़ चुके हैं। ये देखिए रोड की हालत, लेकिन नो प्रॉब्लम, वो तो सब रिपेयर हो जाएगा। चलते चलते मुझे सामने बतख भी दिख गई, दो बतख है। अभी ये स्कूटी चला रहा है किशन, उसे चलानी थी। और स्कूटी चलाने के लिए ही मेरे साथ ही आया, वरना शायद ना आता। तो ये शायद कोई अलग रास्ता है, हम जो आए थे मोंगा के पार्टी वो रास्ता नहीं है। और हम रास्ता भटक चुके हैं। अच्छा, हम इधर पहुँचे। एक्चुअली हमें निकलना था इस तरफ से, मंगान के पट्टी से इस तरफ आना था, लेकिन हम रास्ता भूल के उस तरफ से आए। लेकिन वो भी शॉर्टकट ही था, कोई बात नहीं। वापिस हम इसी रास्ते पे मेन हाईवे पे जुड़ चुके हैं अभी। तो ये आ चुका है खंभाड़ का चार रास्ता, बाहर का चार रास्ता। एक्चुअली मेन चार रास्ता अंदर है सिटी के अंदर, ये बाहर का चार रास्ता है। ये जाता है सलाया, सामने जामनगर, और उस तरफ खंभालिया सिटी में।
तो परसों में निकला था इधर से, और नुंगा भाई को मैंने किया था प्रॉमिस, नुंगा भाई को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रिटर्न में ज़रूर आऊँगा आपके घर। लेकिन नुंगा भाई मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन दो तीन दिन के बाद मैं वापस आता हूँ। महेश नुंगा भाई मैं दो तीन दिन के बाद आता हूँ, बाय। पेट्रोल फुल कर लेना चाहिए, पेट्रोल। तो ये रिलायंस का पंप है, हम इधर पेट्रोल फुल करेंगे। तो हमने पेट्रोल तो फुल कर लिया, इतना ज़्यादा कुछ नहीं आया, 3 लीटर ही आया, 230 रुपये में 3 लीटर। पेट्रोल महंगा हो गया है भाई इंडिया में। तो अभी हम पहुंचे हैं देवरिया का पाटिया, और शायद देवरिया, और इधर थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब है, ये रास्ता नया बन रहा है जामनगर से द्वारका, ये नया रास्ता बनेगा, वो भी 4 ट्रैक बनेगा। तो ये नायरा कंपनी का मेन गेट है ये, पहले ये SR कंपनी हुआ करती थी, अभी नायरा हो गई। हम जाएंगे कभी नारायण टापू दूसरी और बार, हमें ना दो तीन दिन के बाद जाएंगे रिलायंस मॉल और इधर नारायण टापू, और उसका वीडियो हम बनाएंगे। तो इधर रहता है रवि, सॉरी रवि मैं तुम्हें मिल नहीं पाया, अगली बार मैं मिलूँगा श्योर। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि ये टाइम पर मैं मिलूँगा, लेकिन नहीं मिल पाया, तो नेक्स्ट टाइम जरूर मिलूंगा रवि। ये पटाना का पाटिया है और इधर रवि रहता है, अभी रवि भावेश का भांजा है। अभी हम आ चुके हैं ये रिलायंस पार्ट, लेकिन इधर लोग कहते हैं इसको रिलायंस मॉल, एक्चुअली ये मॉल नहीं है, ये मार्केट है, सुपर मार्केट, ग्रोसरी स्टोर वगैरह आपको जो खरीदना आपको इधर रिलायंस मार्ट में मिल जाएगा, लेकिन हमें इंडिया में कहते हैं इसको मॉल, लेकिन हमें दुबई में हम तो कहते हैं इसको मार्ट। और ये है रिलायंस का मेन गेट, सामने दिख रहा है आपको, वर्ल्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जामनगर इधर से 26 किलोमीटर है, और हम पहुंचे हैं अभी मोटी खावड़ी, और ये रेलवे क्रॉसिंग, सेकंड रेलवे क्रॉसिंग है हमारा, और हमें लगी है भूख, और करना है हमें नाश्ता, लेकिन इधर लॉकडाउन की वजह से आई थिंक सो कोई भी दुकानें ओपन नहीं है, लॉकडाउन तो नहीं है, अनलॉक 2 ही चल रहा है अभी, लेकिन कोई भी दुकानें ओपन नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे जामना की तरफ।
नाश्ता तो हमें नहीं मिला, लेकिन चाय पी के वापस चल दिए जामनगर की तरफ। मुंगान से निकलने के बाद और खम्भरिया के बाद ये हमारा फर्स्ट टोल गेट है जो इसको हम क्रॉस करेंगे, और फर्स्ट और आखिरी भी, क्योंकि जामनगर के बाद हमें आगे नहीं जाना है। सुबह के बज चुके हैं 9:30, मुंगान से निकले थे हम 7:30 को, दो घंटे में हम पहुंच गए जामनगर। और सबसे पहले अभी मैं ड्रॉप करूंगा किशन को और बाद में जाऊंगा मैं अपने घर। ओ भैया देखो देखो, पहुंच चुका हूं मैं अपने घर और लंच भी कर लिया है मैंने। और आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और उसी तरह हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।